Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rugby College, University of Allahabad. Nowadays, we are talking about research methodology, in which I have taken the topic of qualitative research. My last video was on grounded theory, and today I am going to discuss positivist versus naturalist paradigm. Okay, and the lecture will be in bilingual mode. And do subscribe my channel so that you can get my future videos too. And this video will be very useful for your research purposes and various competitive teaching examinations. Okay, so let's start. First of all, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्राउंडेड थ्योरी पर बात की थी और मैं नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी पर बात करना चाह रही थी आपसे. लेकिन नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी पर बात करने से पहले मैंने सोचा कि पहले आपको नेचुरलिस्टिक पैराडाइम समझ में आना चाहिए, तब आप नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी को समझ पाएंगे. नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी इवन से एक अम्ब्रेला टर्म है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी की अप्रोचेस का, जिसके अंतर्गत बहुत सारी स्ट्रेटजीज आती हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की. तो पॉजिटिविस्ट वर्सेस हमने नेचुरलिस्टिक पैराडाइम इसलिए है क्योंकि जो क्वांटिटेटिव रिसर्चेस हैं उनको हमने बोरो किया है कहाँ से, नेचुरल साइंसेस से. तो वो जो पैराडाइम है वो पॉजिटिविस्ट है और वो पहले था. नेचुरलिस्टिक या क्वालिटेटिव बाद में आया, तो उसका उससे कंपैरिजन है. मतलब बाद में जो आया उसको उन्होंने अनरिलायबल, अनवैलिड और इस तरीके के शब्दों को से उसको नवाजा. तो इसलिए हमको जानना जरूरी है कि पैराडाइमेटिक शिफ्ट क्या है पॉजिटिविस्ट और नेचुरलिस्टिक के बीच में. तो सबसे पहले पैराडाइम, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला शब्द पैराडाइम, पैराडाइम, पैराडाइम हम लोग यूज करते हैं. पैराडाइम शिफ्ट इन दिस, पैराडाइम शिफ्ट इन दैट. क्या है ये पैराडाइम? पैराडाइम है अ फ्रेमवर्क कंटेनिंग द बेसिक अजम्पशंस, मतलब कोई मूलभूत मान्यताओं का फ्रेमवर्क है, वेज ऑफ थिंकिंग, जिससे पता चले कि हम किस तरीके से सोचते हैं, एंड मेथोडोलॉजी, और वो काम करने का हमारा तरीका, दैट आर कॉमनली एक्सेप्टेड बाय मेंबर्स ऑफ ए साइंटिफिक कम्युनिटी. मतलब कि कुछ पढ़े लिखे कम्युनिटी के, साइंटिफिक कम्युनिटी के मेंबर्स ने एक फ्रेमवर्क बना लिया है जिसके कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं, एक पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग है और एक मेथोडोलॉजी है. वो पैराडाइम है, यानी कि एक काम करने का पैटर्न, एक नमूना, एक फ्रेमवर्क जिसमें कि जो assumptions, जो thinking और जो methodology वो accepted हो. मतलब ऐसा नहीं कि एक paradigm को मैं follow कर रही हूँ, एक ही paradigm को, उसी paradigm को आप follow कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं. It can't be possible. ओके, फिर ये शब्द आता कहाँ है? तो सभी लोग जानते होंगे, बहुत पॉपुलर है, बहुत पढ़ा पढ़ाया जाता है, मतलब इसका जिक्र होता है कि थॉमस कुन इन हिज 1962 में वो किताब लिख रहे थे. कौन सी? द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशंस. और बहुत बहुत, मतलब कह सकते हैं आप, इन्फ्लुएंशियल उनकी ये बुक रही. इसमें इन्होंने पैराडाइम के कंसेप्ट का जिक्र किया था. उसके पहले पैराडाइम शब्द का हमको प्रयोग नहीं मिलता है, इसके बारे में बातचीत नहीं मिलती है. तो थॉमस कुन, कौन सी बुक, स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशंस किस सन में आई, 1962 में आई, इतने सवाल तो यहीं से बन जाते हैं. फिर The classic work of Kuhn, has made it clear that researchers conduct their inquiries within a framework of characteristic assumptions. मतलब इन्होंने ये क्लियर किया कि जो रिसर्चर्स हैं, जो अनुसंधानकर्ता हैं, वो जब अपनी इंक्वायरीज करते हैं, खोजें करते हैं, तो एक फ्रेमवर्क ऑफ कैरेक्टरिस्टिक assumptions के तहत करते हैं. मतलब एक पर्टिकुलर पैराडाइम के अंतर्गत वो करते हैं. कुन रिफर्स टू दिस इंटीग्रेटेड सेट ऑफ अजम्पशंस दैट लीड रिसर्चर टू सी द वर्ल्ड इन ए पर्टिकुलर वे एज अ पैराडाइम. मतलब उन्होंने बताया कि जो रिसर्चर है उसका पहले से सेट होता है अजम्पशन कि उसको संसार को किस तरीके से देखना है. संसार में मतलब उसका पार्टिसिपेंट, सॉरी उसका, यू कैन से सैंपल पॉपुलेशन, ये सारी चीजें आ जाएंगी जिस पर उसको रिसर्च करना है. तो वो उसका एक सेट पैटर्न होता है देखने का. बीइंग सोशलाइज्ड इनटू अ पर्टिकुलर पैराडाइम इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट लर्निंग द एग्जांपल्स ऑफ द फील्ड. इट आल्सो इन्वॉल्व्स लर्निंग टू सी, थिंक अबाउट एंड एक्ट टुवर्ड्स द वर्ल्ड इन अ वे कंसिस्टेंट विद द एक्सपेक्टेशंस, डिमांड्स, एटीट्यूड्स एंड अदर अजम्पशंस ऑफ द पैराडाइम. समझा? मतलब कि जो पैराडाइम है उसमें हमको तय है कि हमको किस तरीके से देखना है, किस तरीके से सोचना है, किस तरह से एक्ट करना है, और वो जो हमारे पैराडाइम के अजम्पशंस हैं उसके कंसिस्टेंट होगा, मतलब उसके अनुसार होगा, हम उसी के हिसाब से चलेंगे. ये तो हुआ पैराडाइम. फिर पॉजिटिव पैराडाइम क्या है और नेचुरलिस्टिक पैराडाइम क्या है, या पॉजिटिविस्ट्स जो हैं वो किस तरीके से सोचते हैं, वो किस तरीके से सोचते, देखते और एक्शन करते हैं अपने संसार के प्रति, और नेचुरलिस्टिक कैसे करते हैं. पॉजिटिविस्ट और नेचुरलिस्ट को अगर हम एक, मतलब ऐसे ही
देखें तो क्या कहेंगे कि पॉजिटिविस्ट क्लेम देयर इज अ सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी। भाई अनुसंधानकर्ता क्या करने निकला है, खोजने निकला है ना, कोई सत्य, कोई घटना, कोई, चूंकि पॉजिटिविस्ट है तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप खोजने निकला है। तो पॉजिटिविस्ट क्या मान के चले, उनका मूलभूत मान्यता उनकी यह है कि जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, जो वो खोजने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि जिस नजर से मैं देखूंगी उसी नजर से आप भी देखेंगे, उसी नजर से तीसरा भी देखेगा, दुनिया में कोई भी देख सकता है। सिंगल रियलिटी है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी that can be observed and measured without bias using standardized instruments, यानी कि उसको observe किया जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है, उसका मापन किया जा सकता है without bias, मतलब उसमें कोई biasness नहीं आएगी, मतलब मैं करूंगी तो भी, आप करेंगे तो भी, कोई किसी का पक्षपात, किसी का preconceived notion उसमें नहीं आएगा अगर हम standardized instruments का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। जबकि naturalist क्या कह रहे हैं, naturalist and in particular interpretive constructionists, देखिए कितने इसमें टर्म है, इंटरप्रिटेड मतलब इंटरप्रिटेशन करना है किसी घटना का, कंस्ट्रक्शनिस्ट मतलब वो कंस्ट्रक्शन करेंगे, मतलब हर व्यक्ति अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन करेगा। ये क्या एक्सेप्ट करते हैं, दैट देयर इज अ रियलिटी, रियलिटी तो है, इनके लिए भी रियलिटी है, बट आर्ग्यू, लेकिन ये तर्क करते हैं क्या, दैट इट कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, ये कहते हैं इसको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों, ओनली परसीव बाय पीपल, क्योंकि ये जो रियलिटी है वो केवल लोगों के द्वारा परसीव की जाती है, और हर व्यक्ति अलग है तो हर व्यक्ति का इंटरप्रिटेशन अलग होगा, हर व्यक्ति का कंस्ट्रक्शन अलग होगा। Each of whom views it through the lens of his or her prior experience, ना किसी घटना को मैं देखूंगी तो मेरे जो पूर्व अनुभव है उसके हिसाब से देखूंगी, मैं आपके पूर्व अनुभव के हिसाब से नहीं देख सकती हूँ, आप उस घटना को अपने पूर्व अनुभव के हिसाब से देखेंगे, आप किसी भी स्थिति में मेरे पूर्व अनुभव के हिसाब से नहीं देख सकते हैं। तो रियलिटी कैन नॉट बी सिंगल, इसका मतलब रियलिटीज आर मल्टीपल रियलिटीज, ऑब्जेक्टिव रियलिटी कैन नॉट बी पॉसिबल, रियलिटी कैन ओनली बी सब्जेक्टिव इन अकॉर्डेंस टू नेचुरलिस्ट। ये कह रहे हैं कि हम अपने अनुभव, ज्ञान, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से किसी घटना को इंटरप्रेट करते हैं, इसलिए कभी भी आप रियलिटी को डायरेक्टली ऑब्जर्व या मेजर नहीं कर सकते। दैट लेंस इफेक्ट्स व्हाट पीपल सी एंड हाउ दे इंटरप्रेट व्हाट दे फाइंड, ये जो लेंस है, जो हमारा लेंस है, हमारा लेंस कैसे बना है, यानी कि हम कैसे देख रहे हैं, अपने अनुभव, अपने ज्ञान, अपने इर्द गिर्द जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा एप्टीट्यूड है, जो हमारा नॉलेज है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से देख रहे हैं, आप अपने से देख रहे हैं, इसका मतलब कि हर व्यक्ति का लेंस अलग अलग है, तो कैसे संभव है कि एक घटना का सब लोग एक जैसा इंटरप्रिटेशन करेंगे, इट कांट बी पॉसिबल। व्हाट वी नो देन इज नॉट ऑब्जेक्टिव, इसलिए जो हम जानते हैं वो ऑब्जेक्टिव तो हो ही नहीं सकता है, इट इज ऑलवेज फिल्टर्ड थ्रू पीपल, ऑलवेज सब्जेक्टिव, इसलिए जो भी सामाजिक घटना है, जो भी सोशल इंटरेक्शन है, रिलेशनशिप है, फिनोमेना है, एक्सपीरियंस है, ये कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। नेचुरलिस्टिक पैराडाइम में ये कहा, ये हमेशा ही सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि इसमें व्यक्ति का सेल्फ इंक्लूड होगा ही होगा। अब इसको हम एक इस तरह से देख लें, साइंटिफिक तरीके से, मतलब टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, तो पॉजिटिविस्ट और नेचुरलिस्ट की अगर हम तुलना करें तो अगर हम ऑन्टोलॉजी पे जाएं, अब हम यहाँ ऑन्टोलॉजी एपिस्टेमोलॉजी की जब बात करेंगे इसका मतलब फिलोसफी की बात करेंगे, ये सब क्या है, फिलोसफिकल ब्रांचेस है, मतलब फिलोसफी की ब्रांचेस है। तो फिलोसफी की मेन ब्रांचेस कौन कौन सी है, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एक्सियोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्या है, ज्ञान मीमांसा, मेटाफिजिक्स क्या है, अधिभौतिकी या तत्व मीमांसा, और आपका एक्सियोलॉजी क्या है, मूल्य मीमांसा। तो ऑन्टोलॉजी जो है वो मेटाफिजिक्स की ही ब्रांच है, यानी कि इसका लेना देना किससे है, इसका कंसर्न किससे है, नेचर ऑफ बीइंग, कि ये क्यों है, रियलिटी, एग्जिस्टेंस, इन सवालों से सरोकार है किसका, ऑन्टोलॉजी का। एपिस्टेमोलॉजी का सरोकार किससे है, ज्ञान, कि नॉलेज क्या है, और मेथोडोलॉजी तो कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे, विधि क्या है। तो अगर ऑन्टोलॉजी पे जाएं तो जो पॉजिटिविस्ट है वो रियलिस्ट है, जबकि नेचुरलिस्ट क्या है, रिलेटिविस्ट है। तो रियलिस्ट क्या है, पॉजिटिविस्ट क्या मानता है, देयर एग्जिस्ट्स अ सिंगल रियलिटी, बात हो चुकी कि रियलिटी केवल एक है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑब्जर्वर्स इंटरेस्ट इन इट, यानी उसमें ऑब्जर्वर का कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं ऑब्जर्व करने जा रही हूँ या कोई और ऑब्जर्व करने जा रहा हूँ, उसमें उसकी रुचि इंक्लूड ही नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्टिव है। ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू इम्यूटेबल नेचुरल लॉज, मैनी ऑफ विच आर कैजुअल इन फॉर्म, ट्रूथ हैज डिफाइंड ए फैक्ट इज एज आइसोमॉर्फिक विद रियलिटी, मतलब इनका ट्रूथ एकदम स्टैटिक है, इनका ट्रूथ को मैं देखूं, आप देखें, दुनिया का कोई आदमी देखे, उसी तरीके से दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि वो सिंगल है, ऑब्जेक्टिव है, यानी ये रियलिस्ट कहलाए ना, कि जैसा है वैसा उन्होंने देख लिया। लेकिन नेचुरलिस्ट क्या है, रिलेटिविस्ट, रिलेटिविस्ट का मतलब कि इसमें आ जाएगा रिलेशनशिप, मतलब कि इन कंपैरिजन टू यू, इन कंपैरिजन टू मी, रिलेटिविज्म आ जाएगा, कि हम जैसे देखेंगे वैसे आप नहीं देख सकते। इसीलिए ये कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट मल्टीपल सोशली कंस्ट्रक्टेड रियलिटीज, यानी कि जो रियलिटीज है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, बहुत आयत में है, अनगवर्न्ड बाय एनी नेचुरल लॉज, कोई नेचुरल लॉज को गवर्न नहीं कर रहा, जबकि ये कह रहे थे नेचुरल लॉ गवर्न कर रहा है। ट्रूथ इज डिफाइंड एज द मोस्ट इन्फॉर्म्ड एंड सोफिस्टिकेटेड कंस्ट्रक्शंस ऑन व्हिच देयर
देयर इज कंसेंसस अमंग क्वालिफाइड क्रिटिक्स. मतलब इनका ट्रूथ रियलिटी था, इनका ट्रूथ रियलिटी नहीं है, बल्कि किसी तरह से उस पर कंसेंसस बन सकता है अगर कुछ बहुत क्रिटिक और क्वालिफाइड लोग उस पर काम करें तो. फिर इपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान पॉजिटिविस्ट के हिसाब से क्या है, तो इनका ज्ञान क्या है, ऑब्जेक्टिविस्ट है. ये कह रहे हैं इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑब्जर्वर टू एक्सटीरियोराइज द रियलिटी स्टडी रिमेनिंग डिटैच्ड फ्रॉम इट एंड अनइन्वॉल्व्ड इन इट. यानी कि अगर रिसर्चर इनके हिसाब से, पॉजिटिविस्ट के हिसाब से, क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स के हिसाब से रिसर्च करने जाएगा तो वो बिल्कुल उससे डिटैच रहेगा, बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव तो है नहीं कि उसमें इन्वॉल्व होगा, या इन्वॉल्व होगा तो सब्जेक्टिविस्ट हो जाएगा. इनकी ये इनकी पॉजिटिविटी मतलब इनकी खासियत होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए, विदाउट एनी प्रीकंसीव्ड नोशन होनी चाहिए. जबकि नेचुरलिस्ट क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं भैया, नॉलेज ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिविस्ट है. क्यों? क्योंकि इंक्वायरर एंड द इंक्वायर्ड इनटू आर इंटरलॉक्ड इन सच ए वे दैट द फाइंडिंग्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर द लिटरल क्रिएशन ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस. मतलब हम गए आपसे आपका इंटरव्यू लेने, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा सेल्फ उसमें इंक्लूड नहीं हो? भाई क्वेश्चन तो हम ही पूछेंगे नेक्स्ट, यानी और वो क्वेश्चन किस पे डिपेंड होगा, हमारे प्रीवियस नॉलेज और हमारे ज्ञान पे, हमारे अनुभव पे, हमारी अपेक्षा पे, है ना. तो ये तो संभव है ही नहीं कि जो क्वालिटेटिव रिसर्चर है वो डिटैच रहे या अनबायस्ड रहे. वो तो उसको तो ये बैलेंसिंग सीखनी ही है. मैंने पहले भी शायद कहीं ना कहीं डिस्कस किया होगा कि कब उसको डिटैच होना है, कब उसको अटैच होना है, कब उसको इन्वॉल्व होना है, कब उसको हट जाना है. तो इसमें यहाँ पे रोल ऑफ रिसर्चर बहुत बढ़ जाता है. यहाँ पर तो मतलब पॉजिटिविस्ट में तो रिसर्चर का उस हिसाब से नहीं, बस उसको डेटा कलेक्ट करना है. डेटा कलेक्ट करने के लिए कई बार खुद भी नहीं जाते, आदमी क्वेश्चनेयर भिजवा देते हैं और क्वेश्चनेयर इकट्ठा करवा लेते हैं. तो ये तो बिल्कुल ही मतलब वो ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, फिर मेथडोलॉजी यानी कि मेथडोलॉजी यानी कि करेंगे कैसे, विधि क्या है. ये जो कह रहे हैं ये इंटरवेंशनिस्ट है. इंटरवेंशनिस्ट मतलब कि पॉजिटिविस्ट जो है वो इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच उनकी है. क्यों इंटरवेंशनिस्ट? को आप एक्सपेरिमेंटल अप्रोच कह सकते हैं, इसको आप कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप कह सकते हैं, जिसमें वेरिएबल्स देखे जाए ना कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर क्या प्रभाव, यही तो देखा जाता है. द कंटेक्स्ट इज स्ट्रिप्ड ऑफ द इट्स कंफाउंडिंग इन्फ्लुएंसेस सो दैट द इंक्वायरी कैन कवरेज ऑन ट्रूथ एक्सप्लेनिंग नेचर एज इट रियली इज लीडिंग टू द कैपेबिलिटी टू प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल. मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे गोल क्या है मेथोडोलॉजी का, हम लोग को कहाँ पे जाना है, मतलब हम क्या प्रिडिक्ट कर पाए, हम कैसे नियंत्रण कर पाए. तो कंट्रोल वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सारी बातें की जाती है इसमें. तो प्रिडिक्शन हमको जनरलाइजेशन करना है, इसका मतलब हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं पॉजिटिविस्ट में. जबकि नेचुरलिस्ट क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सारा कुछ तो इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड है, तो प्रिडिक्शन कहाँ है, प्रिडिक्शन तो इसमें है ही नहीं. प्रिडिक्शन नहीं है, कंट्रोल नहीं है, जनरलाइजेशन नहीं है. हर्मिनेटिक कह रहा है कि दिस कंटेक्स्ट इज कंस्ट्रूड एज गिविंग मीनिंग एंड एग्जिस्टेंस टू द इंक्वायर्ड इनटू, यानी कि जिस पर हम रिसर्च करने जा रहे हैं, जो हमारा रिसर्च, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके अर्थ को हमको निकालना है. तो हम प्रिडिक्ट क्या करेंगे इसमें, कंट्रोल क्या करेंगे, और जनरलाइज करने का तो सवाल ही नहीं उठता है. द मेथोडोलॉजी इन्वॉल्व्स ए डायलेक्टिक ऑफ इटरेशन चल रहा है, एनालिसिस चल रही है, विश्लेषण चल रहा है, उसमें आलोचना चल रही है, उसमें री इटरेशन चल रहा है, री एनालिसिस एंड सो ऑन. ये सारी ताना बाना आपस में उलझता है, सुलझता है, और फिर निकलता क्या है, इमर्जेंस ऑफ ए जॉइंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए केस. यानी कि जो आउटकम निकल के आ रहा है वो इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई दोनों की इंटरलॉकिंग से निकला है. तो ये कुछ बेसिक अंतर पॉजिटिविस्ट और नेचुरलिस्ट के बीच में है. तो जब हम नेचुरलिस्टिक पैराडाइम को पढ़ें, जब हम नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी को पढ़ें, तो हमको ये तुरंत मान लेना है कि रियलिटी सब्जेक्टिव है, मल्टीपल है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है, इट कैन नॉट बी टोटली नोएबल. ये कहते हैं जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट हैं या नेचुरलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि आप पूरी तरीके से जान ही नहीं सकते हैं किसी चीज़ को, जबकि पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि दुनिया में कोई भी उसी तरीके से जान सकता है अगर वही समान कंट्रोल्ड कंडीशन में वो अपने एक्सपेरिमेंट करता है. तो ना तो बेस मूलभूत अंतर है दोनों में. कंक्लूजन क्या कर सकते हैं कि पॉजिटिविस्ट आर्ग्यू दैट द साइंटिफिक रिसर्च मेथड प्रोड्यूसेस प्रिसाइज वेरीफाइबल सिस्टमेटिक एंड थ्योरेटिकल आंसर्स. यानी कि हमारे आंसर को आप वेरीफाई कर सकते हैं, आप भी वैसे ही करें तो वही रिजल्ट आएगा. इन अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविस्ट सिस्टमेटिक चलना है, जबकि हमारा नेचुरलिस्ट में इस तरीके का सिस्टम नहीं है. हमको कब कहाँ जाना है, थ्योरेटिकल सैम्पलिंग है, कौन सा डेटा है, ये तो हमको धीरे धीरे पता चलता है, कुछ भी आप पहले से नहीं बता सकते, है ना. जब ये क्या कहते हैं, दे ऑल्सो सजेस्ट दैट द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड प्रोवाइड्स आंसर्स दैट आर न्यूट्रल एंड टेक्निकल. आंसर न्यूट्रल है, क्यों, क्योंकि उसमें हमारा सेल्फ इन्वॉल्व ही नहीं है, एंड कैन दस बी यूनिवर्सलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड टू ऑल कंटेक्स्ट. इसलिए सब कंटेक्स्ट में ये आप जनरलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये कंटेक्स्ट फ्री है. कौन, पॉजिटिविस्ट. और हम क्या, नेचुरलिस्टिक वाले क्या है,
कंटेक्स्ट लेडन है, कंटेक्स्ट से तो वो ताना बाना सा उनका घिरा हुआ है, क्योंकि कंटेक्स्ट से ही इंटरप्रिटेशन निकल के आ रहा है. व्हाइल नेचुरलिस्ट्स आर्ग्यू दैट बिहेवियर और फिनोमेना कैन ओनली बी स्टडीड इन रियल वर्ल्ड सेटिंग्स, तो कंटेक्स्ट तो यहाँ पे मूलभूत केंद्र बिंदु पे है. एंड इज स्पेशली वैल्यूएबल फॉर स्टडीइंग बिहेवियर्स एंड एक्शंस दैट मे नॉट बी रेप्लिकेबल इन कंट्रोल्ड लैब सेटिंग. तो कभी भी आप किसी भी रिसर्च को जो नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी में वेरीफाइबल नहीं कर सकते, ना ही प्रेडिक्ट कर सकते, ना ही कंट्रोल कर सकते, ना ही रेप्लीकेबल कर सकते, मतलब कि कोई और भी करे तो उसी तरह से रिजल्ट निकल गया, इट कांट बी पॉसिबल, ये इसका है ही नहीं, अजम्पशन ही नहीं है. ओके, तो एक डिफरेंट माइंडसेट है पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम और डिफरेंट माइंडसेट है नेचुरलिस्टिक पैराडाइम. तो जिसका जिससे सरोकार हो, जिससे वो साम्यता स्थापित कर सके, जो जिसके समकक्ष अपने आपको समझे, वही वाली रिसर्च उसको करनी चाहिए, आई थिंक. ओके, so I have completed a very interesting topic under research methodology, that is relationship and comparison between positivistic and naturalistic paradigm. So thank you all, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. Okay, join my Telegram group too for further communication. Okay, done from my side.